इंटीरियर है, विच इज़ एग्जैक्टली सेम इंटीरियर जो आपको 1.3 में मिलता है, लेकिन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एक वुडन ट्रिम मिलती है मोर प्रीमियम लुक के लिए। बाकी ग्लव बॉक्स भी इस गाड़ी का डिसेंट साइज़ का है। और इसके अलावा एक और डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसमें आपको इनबिल्ट स्क्रीन मिलती है नेविगेशन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और होंडा सिटी जो है ये एक ऐसी गाड़ी है होंडा की जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली होंडा पाकिस्तान की गाड़ी है। और आज इस गाड़ी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एस्पायर 1.5 ऑटोमेटिक जो फुली लोडेड वेरिएंट आता है होंडा सिटी में। 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा तो आपको वो वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये होंडा सिटी एस्पायर, इस वक्त इस गाड़ी की पाकिस्तान में जो प्राइस है वो 28,71,500 रुपये है। और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो होंडा चनाब फैसलाबाद का नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, नीचे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, और आप उनसे कांटेक्ट करके गाड़ी की सारी डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्सटीरियर रिव्यू स्टार्ट करूं तो आपको मैं बताऊं इस गाड़ी का, ये जो गाड़ी है इसकी शेप एग्जैक्टली सेम है जो प्रोडक्शन में आ रही है। इसकी लाइट्स की शेप जो स्लोप पे आती है वो एग्जैक्टली सेम आती है। बट इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है ये होंडा ने रिवाइज़ की थी 2019 में, और ये जो ग्रिल है इसका डिज़ाइन इन्होंने चेंज किया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके इसको चेंज किया। लेकिन ये जो एस्पायर ग्रिल है इसके अंदर यहाँ पे एक बड़ा प्यारा इन्होंने ये पोर्शन भी जो है इसको इन्होंने ग्लॉस ब्लैक पेंट में किया हुआ है। होंडा बैजिंग आपको मिल जाती है, और एक एडिशनल चीज़ क्योंकि एस्पायर वेरिएंट है तो इसमें आपको बिल्ट इन आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, और ये हेलोजन फॉग लैंप्स आते हैं। और जो बाकी जितने भी वेरिएंट आते हैं उसमें ये आपको आफ्टर मार्केट या एडिशनल लगवाने पड़ेंगे, लेकिन इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको साइड पे दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, और ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये डिफरेंट हैं। पहले जो वेरिएंट आता था एस्पायर का उनकी शेप डिफरेंट थी, और इनके जो पैटर्न है ये डिफरेंट आते हैं। इसी तरह अगर मैं साइड पे आ जाऊँ तो आपको साइड मिरर पे टर्न सिग्नल ये होंडा ने कंपलसरी कर दिया था सारे वेरिएंट्स में। और इसके अलावा साइड पे आ जाऊँ तो आपको जो डोर हैंडल्स हैं इनमें आपको क्रोम मिलती है, और ये पूरे के पूरे क्रोम के साथ कवर्ड है दोनों साइड वाले। बाकी नीचे आपको गाड़ी के एक स्लोप मिलता है जो सारे वेरिएंट में आता है। एक स्ट्रिप लगी हुई है जो पूरी की पूरी बॉडी पेंट कलर में आती है। एग्जैक्टली अगर साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो गाड़ी ओवरऑल जो है वो एग्जैक्टली सेम है। बैक साइड पे आऊँ तो आपको सिटी की बैजिंग एस्पायर और प्रोस्मेटिक का जो उसका ट्रांसमिशन है, और ये लाइट्स ये 2014 एंड में इन्होंने होंडा ने ये डिज़ाइन इसका चेंज कर दिया था। नीचे आपको बम्पर में एक ब्लैक शेड नज़र आ रहा है, और ये इसमें रिफ्लेक्टर आते हैं, इसमें फॉग लैंप नहीं लगे हुए। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें गाड़ी में जो इन्होंने एडिशनल ऐड की थी वो ये था, इसमें एक शार्फिन एडीना ऐड कर दिया गया था 1.5 वेरिएंट में, और बाकी एग्जैक्टली सेम है गाड़ी की शेप 1.3 और 1.5 की। ये इस होंडा सिटी एस्पायर 1.5 की चाबी है, और ये इमोबिलाइजर वाली आती है, इसमें कीलेस नहीं आती, सिर्फ आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है। अभी अंदर चलते हैं गाड़ी के, देखते हैं इंटीरियर कैसा है गाड़ी का। इस वक्त मैं होंडा सिटी एस्पायर 1.5 के अंदर आ गया हूँ, और ये इस गाड़ी का इंटीरियर है, विच इज़ एग्जैक्टली सेम इंटीरियर जो आपको 1.3 में मिलता है, लेकिन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एक वुडन ट्रिम मिलती है मोर प्रीमियम लुक के लिए। बाकी ग्लव बॉक्स भी इस गाड़ी का डिसेंट साइज़ का है। और इसके अलावा एक और डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसमें आपको इनबिल्ट स्क्रीन मिलती है, नेविगेशन सिस्टम मिलता है। और इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पर ये वाला जो डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, ये ग्लॉस ब्लैक पेंट है, और इसमें एक ये आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा खूबसूरत इसमें नज़र आ रहा है जो पेंट का उसमें वो इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दूँ तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, कुछ स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इधर स्टीयरिंग में आओ तो स्टीयरिंग एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे दरवाज़ों में आपको लाइट एडजस्टमेंट का बटन मिल जाता है, ये फॉग लैंप्स का बटन है। और दूसरी तरफ अगर आऊँ मैं आपको दरवाज़ों में दिखाऊँ तो दरवाज़ों में भी आपको सेम वही वुडन पैटर्न मिलता है, और यहाँ पर ये सिल्वर लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। और ये इस गाड़ी का सारा जो आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। और इसके अलावा गाड़ी के जो दरवाजे हैं उसमें भी आपको स्टोरेज के लिए एक कप होल्डर मिल जाता है, और एक कटआउट यहाँ पे मिलता है। एक और चीज़ जो मैं बता दूं कि इसके दरवाज़ों के साथ आपको यहाँ पे फैब्रिक की बजाय लेदर मिलता है, ये जो एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने होंडा ने ये चीज़ ऐड की हुई है होंडा सिटी एस्पायर 1.5 में। यहाँ पे आपको जो कंसोल है इसके ऊपर भी मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि इसका जो कंसोल है इसके ऊपर लेदर लगा हुआ है, बाकी वेरिएंट में यहाँ पे फैब्रिक का कपड़ा लगा हुआ है। और उसका नुकसान ये है कि वो
उसको साफ़ करना जब वो गंदा हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लेदर को साफ़ करना अच्छा है। दूसरा ये ज़रा क्योंकि हाई एंड वेरियंट है डेफिनेटली, तो उन्होंने यहाँ पे प्रीमियम लुक के लिए ये चीज़ ऐड की हुई है। फ्रंट सीट की अगर मैं सीटिंग की बात करूँ तो एस्पायर 1.5 जो है इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, और इसके अलावा अगर होंडा सिटी की किसी भी आपने वेरियंट में लेदर सीट्स लेनी तो वो आपको ऑप्शन में मिलती हैं और इसमें इनबिल्ट आती हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको इसमें बिल्ट इन लेदर सीट्स मिल जाती हैं, आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी सीट्स कंफर्टेबल हैं, कंफर्ट वाइज ये गाड़ी ठीक है। इसकी टेस्ट ड्राइव भी मैं की हुई है 1.3 की, 1.5 की तो नहीं की, एस्पायर की जब करूँगा तो इंशाल्लाह आपको फीडबैक दूंगा कि गाड़ी चलाने में कैसी है। तो बाकी गाड़ी कंफर्टेबल है, कंफर्ट वाली सीट्स है, कोई ऐसा चाहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होंडा सिटी एस्पायर 1.5 में अगर मैं बैक सीट के लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम जो है वो डिसेंट है। ये सीट मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन पे और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, मुझे लेग रूम का कोई इशू नहीं। थोड़े से पाँव गए में मैं स्ट्रेच करूँ तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, और लंबा बंदा भी इसमें बैठ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इसका फ्लोर यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है और इतना ज़्यादा आपको ऐसा इशू नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको एक कप होल्डर मिल जाता है और इसमें आप कुछ चीज़ अपने ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। इसके पिछले दरवाज़ों में भी आपको जो सिटी का स्पायर का वेरिएंट है ना, यहाँ पे भी आपको लेदर ही मिलता है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलता है लेकिन जो निचला पोर्शन है वहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए कुछ नहीं मिलता, सिर्फ स्पीकर का पॉइंट है। और वही वुडन इफेक्ट जो इन्होंने दिया हुआ है इस गाड़ी में वो आपको पिछले दरवाजे में भी नज़र आएगा। बेस्ट सिटी एस्पायर 1.5 की बैक सीट पर मैं बैठा हूँ और हेडरेस्ट इसका फिक्स आता है इसमें, और हेडरूम डिसेंट है, मुझे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसमें आर्मरेस्ट भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, प्लास्टिक लगी हुई है गाड़ी पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये 1.3 के बेसिक वेरिएंट में आता है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर दो बंदे सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है। बाकी कंफर्टेबल सीट्स हैं, सच कोई इशू नहीं है। जिन्होंने सिटी रखी वो कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये गाड़ी कैसी है ड्राइव वाइज 1.5 एस्पायर। सेफ्टी वाइज होंडा सिटी में ABS ब्रेक्स स्टैंडर्ड आती हैं, इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग्स नहीं आते, सिर्फ ABS ब्रेक्स आती हैं। अगर इसमें मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो सेम आता है 1.3 वाला, तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, काफ़ी डीप है। इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है और वो सादा व्हील कप वाला मिलता है, व्हील वाला नहीं मिलता। और बाकी इसका काफ़ी बड़ा बूट है, ओपनिंग थोड़ी सी छोटी है लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगा। होंडा सिटी स्पायर 1.5 नाम से सजेस्ट होता है कि ये गाड़ी 1500 CC इंजन के साथ आती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी आती है, तो ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो आपको शहर में ही आपको 7-8 का एवरेज देगी विदेशी, और हाईवे पे बड़े आराम से आपको 10-11 का एवरेज दे देगी। और बाकी ये डिपेंड करता है आपके फुट के ऊपर भी, आप इसको कैसा चलाते हैं। तो अगर आप हैवी फुट रखते हैं तो जाहिर बात है गाड़ी प्रॉब्लम करेगी, लाइट फुट रखते हैं तो आपको मतलब एवरेज ज़्यादा अच्छी भी दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं उसका अलर्ट आपको मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, फेसबुक पे भी दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।